ब्राउज़र टैब्स बोरिंग और सिंपल होती है, लेकिन ये एक एक्सटेंशन है जो ये बोरिंग ब्राउज़र टैब्स को अट्रैक्टिव और प्रोडक्टिव बनाता है। और ये एक्सटेंशन क्रोम, फायरफॉक्स और जितने भी क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र्स है उन सब के लिए अवेलेबल है। सो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद ब्राउज़र में न्यू टैब पेज एक कस्टमाइजेबल और प्रोडक्टिव डैशबोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो डैशबोर्ड है उसमें यूजफुल विजेट्स ऐड कर सकते हैं, सिमिलर टू जैसे डेस्कटॉप होम स्क्रीन पे हम विजेट्स ऐड करते हैं। सो ये जो डैशबोर्ड है उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिसमें जो फॉन्ट्स है उसकी साइज और स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साथ में थीम्स चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सर्च बॉक्स अवेलेबल है जो सर्च इंजिन और एड्रेस बार का काम करता है, जहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हैं या फिर वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, और ये जो सर्च इंजिन है उसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर विजेट्स ऐड करना है तो उसके लिए ये जो सिंबल है उसे क्लिक करना है। तो यहाँ पे विजेट लिस्ट ओपन होगी, जहाँ से कोई भी विजेट डैशबोर्ड स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं। अब ये जो विजेट्स है ये डैशबोर्ड स्क्रीन पे कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, और अगर कोई भी विजेट अगर डिलीट करना है तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो वेबसाइट सेक्शन है वहाँ पर बहुत सारी पॉपुलर वेबसाइट्स भी अवेलेबल है। सो ये जो पॉपुलर वेबसाइट्स है उसके भी विजेट डैशबोर्ड स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कस्टम वेब विजेट क्रिएट करना है तो उसके लिए जो प्लस का सिंबल है उसे क्लिक करना है और वेबसाइट का यूआरएल एंटर करना है। अब यहाँ पर मज़ेदार बात ये है कि ये जो वेब विजेट्स है ये कंटिन्यूसली सिंक होते हैं, सो इसके जो लाइव अपडेट्स है वो भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया वेबसाइट है या फिर स्टॉक मार्केट है तो उसके जो लाइव अपडेट्स है वो भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। सो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद जब भी न्यू टैब ओपन करेंगे तो यहाँ पर प्लेन और सिंपल टैब की जगह पे ये कस्टमाइज और प्रोडक्टिव डैशबोर्ड ओपन होगा। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर जो भी डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं या फिर जो भी सेटअप करते हैं वो बाकी सारे कंप्यूटर्स के लिए भी अवेलेबल होंगे, यानी कि अलग अलग डैशबोर्ड या फिर अलग अलग सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है अगर सेम अकाउंट से लॉग इन करते हैं। साथ में मल्टीपल प्रोफाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। वैसे एक बात याद रखिए कि अगर फ्री वर्जन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर लिमिटेड फंक्शंस अवेलेबल होंगे। सो आप भी अपनी बोरिंग ब्राउजर टैब्स को एक प्रोडक्टिव डैशबोर्ड में कन्वर्ट करिए। साथ में इस वीडियो को आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।